दोस्तों, आज बांग्लादेश से तीन बेहद महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं और तीसरी खबर सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज के इस वीडियो में हम तीनों खबरों को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली खबर, बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स क्षेत्र में हाल ही में हुई जातीय हिंसा ने एक बार फिर से वहां के आदिवासी समुदायों की स्थिति को उजागर किया है। इस घटना में बांग्लादेश सेना के तहत यूनुस द्वारा चकमा समुदाय के लगभग 100 घरों और दुकानों को जलाने का आरोप लगाया गया है। यह घटना न केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत देती है, बल्कि क्षेत्र में जातीय तनाव को भी बढ़ावा देती है। चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CTH) बांग्लादेश का एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां विभिन्न आदिवासी समुदाय जैसे कि चकमा, मारमा और त्रिपुरा निवास करते हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से भूमि अधिकारों और संसाधनों को लेकर संघर्ष जारी है। 1970 के दशक से शुरू हुए इस संघर्ष ने कई बार हिंसक रूप धारण किया है, जिसमें सरकार और आदिवासी समूहों के बीच टकराव भी शामिल है। बांग्लादेश सरकार ने इस क्षेत्र में प्लेन सेटर्स को बसाने की नीति अपनाई है, जिससे आदिवासी समुदायों की जनसंख्या और उनकी भूमि पर अधिकार कम हो रहे हैं। यह नीति चकमा समुदाय सहित अन्य आदिवासी समूहों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। हाल ही में चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में हुई हिंसा में बांग्लादेश सेना की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। मानवाधिकार समूह राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (RRAG) ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश सेना ने हमलावरों को मौन समर्थन दिया। इस हमले में 100 से अधिक घर और दुकानें जला दी गईं, जिससे चकमा समुदाय को भारी नुकसान हुआ। हमले के दौरान स्थानीय लोगों ने देखा कि बांग्लादेश सेना हमलावरों का समर्थन कर रही थी। सुहास चकमा (RRA) के निदेशक ने कहा, डिघिनाला सदर क्षेत्र में अब कोई चकमा नहीं बचा है। उन्होंने यह भी बताया कि हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और उसका शव बांग्लादेश सेना द्वारा ले जाया गया। चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में मानवाधिकारों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आदिवासी समुदायों पर होने वाले हमलों और उनके अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर समस्या बन गई है। 1997 में हस्ताक्षरित चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौता भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वह आदिवासी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे। चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में हालिया जातीय हिंसा ने एक बार फिर से आदिवासी समुदायों की सुरक्षा और अधिकारों पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आदिवासी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह क्षेत्र और भी अधिक अस्थिर हो सकता है, जो न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय होगा। इस प्रकार यह आवश्यक है कि सभी पक्ष मिलकर बातचीत करें और एक स्थायी समाधान खोजें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। दूसरी खबर, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ मोहम्मद यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संभावित मुलाकात की चर्चा हो रही है। यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के साइडलाइन पर होने की संभावना थी। इस शोध पत्र में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या यह मुलाकात संभव है, इसके पीछे के कारण और दोनों देशों के संबंधों पर इसके प्रभाव। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। 1771 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव देखा गया है, विशेषकर जब से शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ है। मोहम्मद यूनुस एक प्रमुख सामाजिक उद्यमी हैं और उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे बांग्लादेश की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं और उनकी राय को गंभीरता से लिया जाता है। उनकी संभावित मुलाकात मोदी से दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने का एक अवसर हो सकती है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
यह संभावना कम है कि प्रधानमंत्री मोदी डॉम यूनुस से मिलेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि बांग्लादेश ने इस महीने की शुरुआत में इस मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन यह भारत के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता के कारण इस मुलाकात की संभावना नहीं है। मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से भरा हुआ है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देना और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेना शामिल है। यदि यह मुलाकात होती तो यह भारत बांग्लादेश संबंधों को सुधारने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता था। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह मुलाकात नहीं होगी। हाल ही में डॉ यूनुस ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं, जो नई दिल्ली में अच्छी तरह से नहीं ली गईं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर भी टिप्पणी की थी, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात की संभावना कम लगती है। हालांकि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो यह दोनों देशों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए दोनों देशों को अपने संबंधों को सुधारने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तीसरी खबर, बांग्लादेश के रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण हाल ही में कई समस्याओं के कारण रुक गया है। इस परियोजना में भारतीय ठेकेदारों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब उन्होंने साइट छोड़ दी है और भारतीय श्रमिकों ने भी काम करने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का इतिहास। रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, की योजना 1961 में बनाई गई थी। हालांकि विभिन्न कारणों से इसे कई बार स्थगित किया गया। 2015 में रूस और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत 2 यूनिट्स के निर्माण की योजना बनी। प्रत्येक की क्षमता 1200 मेगावाट होगी। यह परियोजना बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है। रोपपुर प्लांट से लगभग 15% बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है, जिससे देश के बिजली संकट को हल करने में मदद मिलेगी। हाल ही में निर्माण कार्य में रुकावट आ गई है। भारतीय ठेकेदारों ने साइट छोड़ दी है और भारतीय श्रमिकों ने काम करने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। सुरक्षा चिंताएं। स्थानीय परिस्थितियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रमिकों ने काम करने से मना कर दिया। राजनीतिक स्थिति। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सरकार के प्रति बढ़ता असंतोष भी इस समस्या का एक कारण हो सकता है। वित्तीय मुद्दे। परियोजना के वित्त पोषण में देरी और अन्य वित्तीय समस्याएं भी निर्माण कार्य को प्रभावित कर रही हैं। भारत बांग्लादेश संबंध, भारतीय ठेकेदारों और श्रमिकों द्वारा काम करने से इनकार करना भारत बांग्लादेश संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास की कमी इस परियोजना को आगे बढ़ाने में बाधा बन सकती है। ऊर्जा संकट। यदि निर्माण कार्य नहीं होता तो बांग्लादेश को अपने ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक नुकसान। इस परियोजना में निवेश करने वाले भारतीय ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। राजनीतिक तनाव। यह स्थिति दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकती है। रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण रुकना बांग्लादेश के लिए एक गंभीर समस्या बन सकता है। भारतीय ठेकेदारों और श्रमिकों द्वारा काम करने से इनकार करना इस परियोजना की प्रगति को बाधित कर सकता है। दोनों देशों को चाहिए कि वे इस समस्या का समाधान खोजें और आपसी सहयोग को बढ़ावा दें, ताकि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। इस प्रकार यह मामला न केवल बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। अब जब हमने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।